वेलकम माय डियर स्टूडेंट दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा और अड्डा 24/7 पे। सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको गुड इवनिंग कहना चाहता हूं। दोस्तों देखो, जो मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूं, हर सेशन के शुरुआत में आपको हमेशा बताता चल रहा हूं कि भाई ये जो अड्डा के बैच हैं, जो एनटीपीसी के बैच हैं या फिर आपके लिए सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के बैच हैं, अब इस ऑफर का मात्र एक दिन बचा है जिसमें आपको मेरे रेफरल कोड से 82% ऑफ मिल रहा है, 82% ऑफ अड्डा ऐप के थ्रू। क्लियर है ना? तो भाई आप एसएससी का महापैक लें या आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का बैच लें जो कि 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, या फिर सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल स्टेनोग्राफर के लिए बैच लें, सभी पे आपको अड्डा ऐप के थ्रू 82% का ऑफ है, मात्र एक दिन बचा है। तो भैया इस बड़े ऑफर का, मंथ एंड ऑफर का, धमाका ऑफर का आपको लाभ उठाना है, मेरे रेफरल कोड को यूज करना है, adda247.com पे जाना है और अपना जो डिजायर्ड एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना है। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर है ना? तो सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्त और देखते हैं कि क्या रहेगा आंसर इन क्वेश्चंस का। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सिर्फ भैया एक्सरे का तो बताओगे नहीं कि आसान हो जाए, एक्सरे के साथ साथ इस ईयर पूछे गए सारे क्वेश्चंस का भी आपको आंसर करना है। क्लियर है ना? जितने भी आंसर, मैं मोबाइल को जरा रख लूं ताकि मैं आपके आंसर्स देख सकूं। क्लियर है? तो जरा बताइएगा एक्सरे का आविष्कार किसने किया, साथ ही साथ दोस्त आपको बताना है ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया, एक्सरे का आविष्कार बताओ, ग्रामोफोन का आविष्कार बताओ, और वाष्प टरबाइन का आविष्कार किसने किया। एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके चलूंगा, कई सारे तैयार करवाऊंगा। देखो एक्सरे का आविष्कार रोटेंजन साहब, लेकिन ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन, और सिर्फ फोन रहता, टेलीफोन तब कौन हो जाते, थॉमस अल्वा एडिसन, आपको अच्छे से पता है, ग्राहम बेल, टेलीफोन ग्राहम बेल। और वाष्प टरबाइन की बात करेंगे दोस्त तो पार्सन्स, क्लियर है ना, पार्सन्स ने किया था। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन बस तुरंत वाला है। अगला, परमाणु बम का विकास किसने किया, जरा बताना दोस्त, परमाणु बम का विकास किसने किया, तो जरा बताइएगा जो पनडुब्बी होती है दोस्त, जो पनडुब्बी होती है उसका आविष्कार किसने किया, ये भी बताइएगा पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया। साथ ही साथ दोस्त आपको बताना है पैरासूट, पनडुब्बी और पैरासूट का आविष्कार किसने किया। हर क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन आज रहने वाले हैं, ठीक है ना, हर क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन। तो परमाणु बम जो एग्जाम में पूछ चुका है, पनडुब्बी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और दोस्त पैरासूट सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब तक आप इसका आंसर करें दोस्त, इसका आंसर है परमाणु बम का विकास ए जे रॉबर्ट ओपेन हीमर ने किया था। क्लियर है ना? कई लोग को याद नहीं है, मैं देख रहा हूं गलत करते जा रहे हैं, ठीक है। और दोस्त यदि पैरासूट की बात की जाए तो पैरासूट का आविष्कार ए जी गार्निरर, क्लियर है ना, ए जी गार्निरर ने किया था। और दोस्त पनडुब्बी की यदि बात किया जाए तो किसने किया था वुश वेल। अब आपके एक बार कमेंट देख लूं, निकिता जी, संधु, जॉन दोस्त, जय वालिया, वर्षा राजपूत, चंद्रुपति शर्मा जी, संतोष, सुग्रीव, अगले क्वेश्चन का आंसर करो। अच्छा, प्रक्षेपास्त्र, हु डेवलप्ड द मिसाइल, देखो मिसाइल मैन तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, कोई डाउट नहीं है भैया, लेकिन साथ ही साथ क्या आप बता सकते हो कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। साथ ही साथ दोस्त आप एक और बता दीजिएगा, रिवॉल्वर, दोनों के लास्ट में रवर्ड, रिवॉल्वर, कैलकुलेटर और रिवॉल्वर के भी आविष्कारक का नाम बताइए। बहुत आसान है यार, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुरंत हो जाएगा। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। सिंधु जी, कंप्लीट कोर्स नहीं करा रहे हो, प्लीज कंफर्म दिस, ठीक है, ठीक है इसका आंसर करिएगा। कैलकुलेटर का क्या सही होगा दोस्त, तो कैलकुलेटर का आंसर हो जाएगा आपके पास्कल।
क्लियर है। कैलकुलेटर का पास्कल, और दोस्त रिवॉल्वर का तो आप लोग जानते ही हो, कोल्ट साहब ने किया था, और तीसरे क्वेश्चन का वंस वॉन ब्रोन, क्लियर है, वंस वॉन ब्रोन, क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम, देखो दोस्त हाइड्रोजन बम की बात यदि कर दें तो साथ ही साथ आप ये भी हमें बता दीजिएगा कि मशीन गन हाइड्रोजन बम के साथ, जरा बताइएगा मशीन गन का आविष्कार किसने किया। मशीन गन एक इस तरीके का तो एक इस तरीके का, ठीक है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया। साथ ही साथ दोस्त क्या आप बता सकते हैं ईमेल, जो आप ईमेल भेजते हो इसका आविष्कारक कौन है, मशीन गन और ईमेल का आविष्कारक कौन है। तो भैया याद रखिएगा मशीन गन और ईमेल का आविष्कारक। विनय आर्य आप लिख रहे हो सर मैं पेड कोर्स में हूं, ऐसा लग रहा है कंप्लीट कोर्स नहीं करा रहे हो, प्लीज कंफर्म दिस। विनय आर्य दोस्त मैं एक बात बता दूं कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है क्या, मुझे तो अभी क्वेश्चन क्लियर नहीं है। और आपको बता दें 101% आपके टॉपिक से ज्यादा पढ़ाता हूं, जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो रेगुलर जानते हैं कि मैं अपने पेड बैच में अपने 101% देता हूं, क्लियर है ना। और आपको लग रहा है, लगने का दोस्त कोई इलाज नहीं है, हिस्ट्री पे 8 साल की PhD भी हो सकती है दोस्त, 3 साल का BA, 2 साल का MA प्लस 3 साल की PhD भी कर सकते हो, लगने का दोस्त कोई इलाज नहीं है। चलो आंसर करो इसका, भाई देखो मशीन गन का जेम्स पास्कल, क्लियर है ना, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था तो याद रखना जेम्स पकल ने किया था। और दोस्त यदि ईमेल का पूछ ले तो रे टॉमिलसन, क्लियर है ना, रे टॉमिलसन, क्लियर है, रे टॉमिलसन। और इस क्वेश्चन का यदि आंसर पूछ दे भैया तो एडवर्ड टेलर, बी ऑप्शन एडवर्ड टेलर इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। भैया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार अगर आप बोलोगे तो मैं पूछूंगा टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। टेलीग्राफ, देखो ऐसे छोटे क्वेश्चन एक दो नंबर आपको हमेशा दिलवा देंगे, क्लियर है ना। प्राची जय किशन जी, अब ये तो बस इन्वेंटर का नाम पूछ रहा हूं, अब टेलीग्राफ लिखा सामने उसका नाम लिख दूंगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ दोस्त एक आसान पूछ देता हूं, विद्युत बल्ब का बताइएगा, टेलीग्राफ के साथ विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया ये भी बताइएगा दोस्त, ठीक है। ताया सर ठीक है, जैसा जी के सॉलिड करना है। मिस्टर अजीत पढ़ते रहो दोस्त मेरे साथ, दिन में 11 बजे और 7:15 बजे लगे रहो जाएगा। अच्छा एक बात तो याद रखना, शनिवार को शाम 7:15 बजे मेरी क्लास कहां चलने वाली है, अड्डा ऐप पर। और मैं वहां पे बता दूं कि आपके लिए वहां पे मैं थियरी क्लास लेने वाला हूं, अड्डा ऐप पे मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो थियरी क्लास पढ़ाऊंगा, शनिवार शाम 7:15 बजे, क्लियर है ना। तो टेलीग्राफ, यदि दोस्त हम लोग टेलीग्राफ की बात कर दें तो इसका आविष्कार मोर्स ने किया था, ठीक है। विद्युत बल्ब का तो भैया एडिसन साहब ने किया था, क्लियर है ना। और दोस्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पांचवें क्वेश्चन का आविष्कार नोल एवं रुस्का, ए ऑप्शन, नोल एवं रुस्का ने, क्लियर है, नोल एवं रुस्का ने। चलिएगा, अरे यार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट कोच क्या कर रहे हो दोस्त, हो जाने का, देखो इसीलिए तो ऐसा सेशन लाया हूं सुग्रीव कि ऐसे छोटे क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं एग्जाम में, क्लियर है। स्कूटर के आविष्कारक, भैया अगर आप स्कूटर का पूछोगे तो हम पूछेंगे अपने दोस्तों से साइकिल का, स्कूटर आपने पूछा साइकिल हम पूछ देंगे, क्लियर है ना। साइकिल का जरा बताना दोस्त, और हमारे दोस्त बॉल पेन का बहुत उपयोग करते हैं, बॉल पेन, साइकिल और बॉल पेन के आविष्कारक का नाम बताइएगा, ठीक है। तो बताओ साइकिल और बॉल पेन, ये वो क्वेश्चन है जब एग्जाम में आता है और नहीं इनका आंसर बनता दोस्त तो लगता है हाय रे किस्मत क्या इसको हमने कर दिया, क्लियर है ना। तो श्रेयांशी, कामनी मिश्रा, सुग्रीव, दीप्ति, आस्था शुक्ला, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों आपका। तो साइकिल के आविष्कारक एक न्यूजीलैंड का प्लेयर था मैकमिलन, उससे मैं इसको याद रखा हुआ हूं, क्रेग मैकमिलन, न्यूजीलैंड में एक प्लेयर बहुत पहले क्रिकेट में खेलता था क्रेग मैकमिलन, इंडिया के खिलाफ अक्सर अर्धशतक लगा देता था। और दोस्त यदि हम लोग बात कर लेंगे बॉल पेन की तो जॉन जे आपके वोंड, क्लियर है, जॉन जे वोंड इन्होंने किया था। स्कूटर के आविष्कारक की बात कर लोग ब्रैडशॉ, क्लियर है ना, ब्रैडशॉ ने किया था, ठीक है, ब्रैडशॉ ने किया था, ठीक है। लेकिन आपसे एक क्लास मिस करता हूं सर, एक भी क्लास मिस नहीं करता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
मिस्टर अजीत जी थैंक यू सो मच मेरी क्लास को रेगुलर रखने के लिए। अगला, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। भैया सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है जरा आप ये बताइएगा, क्लियर है ना। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आसान है यार, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है, तो इसका आंसर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सातवें क्वेश्चन का दोस्त, हाइग्रोमीटर, क्लियर है ना। हाइग्रो याद रखना, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा हुआ है, हाइग्रोमीटर। अच्छा मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम लिख रहा हूं, आप इनका देश बता दो, न्यूटन किस देश का था, चैडविक किस देश का था, जेम्स चैडविक, चैडविक किस देश का था, इनके देश पूछे जाते हैं ना, न्यूटन का बता दो, चैडविक का बता दो, और जे जे थॉम्सन, क्लियर है ना, थॉम्सन किस देश का था, न्यूटन किस देश के, चैडविक किस देश के, थॉम्सन किस देश के, जरा बताइएगा। बहुत बढ़िया विजय, अंजलि, आस्था, सुदीप्ता, सर्वेश, न्यूटन, चैडविक और थॉम्सन के कंट्री का नाम बताइएगा, ठीक है ना। थॉम्सन आप जान ही रहे हो भैया, ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, याद ही होगा। चैडविक की यदि बात कर लोगे भैया तो ये न्यूट्रॉन की खोज किए थे। न्यूटन चाचा तो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हुए हैं, गति के नियम दिए हुए हैं, और भाई याद रखना ये तीनों के तीनों लोग इंग्लैंड से थे, चैडविक भी इंग्लैंड से, न्यूटन भी इंग्लैंड से, और दोस्त थॉम्सन भी इंग्लैंड से, क्लियर है ना, सभी लोग इंग्लैंड से थे, न्यूटन, चैडविक और थॉम्सन, तीनों के तीनों लोग इंग्लैंड से हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। बहुत आसान है यार, ध्यान दोगे तो अपने आप आंसर हो जाएगा, बता दो भैया किसका उपयोग किया जाता है। एचआर 35 दोस्त आ तो गए ना, अब आंसर करो। अच्छा एक बात बता दूं, संडे को तो आप लोग जान ही रहे हो कि मैं क्लास लेता ही लेता हूं, एक बार सुबह 11 बजे और एक बार रात 8 बजे। रात 8 बजे जीएस का रैपिड फायर आपको पढ़ाता हूं, वो इस बार भी चलेगा, और 11 बजे आपका पूरा हिस्ट्री पॉलिटी का रिवीजन राउंड चलता है, जीएस रिवीजन, वो भी चलेगा, क्लियर है ना। ये दोनों क्लास जरूर याद रखना, संडे वाली बहुत, 8 बजे जीएस रैपिड फायर 8 PM पे, और 11 AM पे रिवीजन राउंड, रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले। अच्छा आठवें क्वेश्चन का आंसर सी अल्टीमीटर, आठवें क्वेश्चन का आंसर सी अल्टीमीटर, चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। भैया जरा बताइएगा, सूर्य की किरण की तीव्रता, दोस्त प्रकाश का कॉर्पस्कुलर थियरी, जिसे आप कहते हो कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कुलर थियरी, इंग्लिश में कॉर्पस्कुलर थियरी, कणिका सिद्धांत, क्लियर है ना। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया जरा बताना, कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट, ये किसने दिया है। साथ ही साथ दोस्त आपको बताना है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया, वेव थियरी, ठीक है, प्रकाश का वेव थियरी किस साइंटिस्ट ने दिया। दूसरा क्वेश्चन दोस्त, प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत, जो डिफ्रैक्शन होता है दोस्त, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत, क्लियर है, व्यतिकरण सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया जरा बताइएगा, बताइएगा दोस्त। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर साथ साथ करो, देखो सूर्य की किरणों, नौवे क्वेश्चन का सी ऑप्शन, क्लियर है ना, एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर इसका सही हो जाएगा। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दोस्त थॉमस यंग ने दिया। अब देखो कितने लोग सही कर पाते हो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। प्रकाश का कॉर्पस्कुलर थियरी, कणिका सिद्धांत मतलब कॉर्पस्कुलर थियरी, कॉर्पस्कुलर थियरी को किसने दिया दोस्त, तो न्यूटन ने दिया, क्लियर है ना, न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया दोस्त, तो हाइजीन्स, ठीक है ना, हाइजीन्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है ना, हाइजीन्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया। उसी तरीके से दोस्त प्रकाश की द्रवों में चाल, यदि पूछे प्रकाश की छोड़ो, अच्छा इसको, प्रकाश में द्रवों की चाल किसने दिया, तो बता देना कि फोकाल्ट ने दिया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। भैया अगर ये पूछोगे तो फिर आंसर तो आसान हो जाएगा हमारे दोस्तों के लिए। अच्छा आप बता दीजिएगा, गैस इंजन, गैस इंजन की खोज किसने की, गैस इंजन, ये क्वेश्चन चूंकि आसान है तो मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछ दिया, गैस इंजन की खोज किसने की दोस्त। उसके अलावा एक आसान भी पूछ देता हूं, कम से कम दोहरा जाए, रेडियो की खोज किसने की। भैया रेडियो ऑडियो सुन रहे हो, तो रेडियो की खोज किसने की।
उसके अलावा दोस्त टाइप मशीन, जो टाइप मशीन होता है उसकी खोज किसने की, इन तीन का आंसर दो। गैस इंजन, रेडियो और टाइप मशीन। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या आपको याद हैं? मुद्दा यही करता है कि आप बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लिए, क्या छोटी सी चीज आपको पता चला, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब पढ़ के बैठे हो, छोटा सा चीज आया और मिस कर गए, और क्वेश्चन का आंसर है सोनार। दसवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सोनार सही है। दोस्त यदि गैस इंजन की बात करें तो डायमलर नाम के साइंटिस्ट ने, दोस्त यदि रेडियो की बात करें तो मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने, बिल्कुल कमेंट में जुड़े रहिएगा, देखो मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने, और दोस्त यदि टाइप मशीन की बात करें तो सोल्ज नाम के साइंटिस्ट ने, सोल्ज, क्लियर है ना, सोल्ज नाम के साइंटिस्ट ने। तो भैया जब पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे वहीं रहोगे। अगला क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है, थर्मोस्टेट, भैया थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? भाई थर्मोस्टेट, थर्मोस्कोप, ये सब तो भैया कुछ डॉक्टरी का चीज लगता है, इससे तो हम अपना टेम्परेचर माप लेते हैं, तो क्यों ना कुछ मेडिकल की चीजें आपसे पूछ दूं, भाई बनता है कि नहीं, अगर ये नहीं तो कुछ मेडिकल की चीज। अब मैं आपसे, चूंकि क्वेश्चन मेडिकल का है तो आप हमको बताएंगे कि एक आसान क्वेश्चन पहले, इंसुलिन की खोज किसने की। देखो सब लोग कितना तेजी से आंसर करोगे। अब आपको बताना है टेरामाइसिन, टेरामाइसिन की खोज किसने की, दवा है दोस्त टेरामाइसिन, क्लियर है ना, टेरामाइसिन दवा की खोज किसने की, इंसुलिन की खोज किसने की, डीडीटी की खोज किसने की, डीडीटी की खोज किसने की, उसके अलावा दोस्त बीसीजी की खोज किसने की। अब जरा अब बताओ, अंकित आर्या ने कहा सर आपको रक्षाबंधन की बधाइयां, बिल्कुल दोस्त आप सभी को भी रक्षाबंधन की बधाइयां। ये तो हम लोग शुरू किया जाएगा 2 तारीख से, संडे को रैपिड फायर में। देखो दोस्त डीडीटी की खोज पॉल मुलर ने, डीडीटी की खोज कौन किए थे भैया, तो पॉल मुलर, रट लेना अक्सर पूछता है। बीसीजी की खोज किसने की थी, तो आपको याद हो यूरिन कॉलमेट ने, बीसीजी के टीके की खोज यूरिन कॉलमेट ने। इंसुलिन की खोज, भैया ये वाला तो आसान है फिर भी लिख दूं कि बेंटिंग ने की थी, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। और भैया टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की थी, टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की थी, याद रहेगा सभी को, घर में बोलते हैं भाई नौकरी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि सर एसएससी का मार्क परचेस करना है उसके बारे में बता दीजिए। अब सेक 10 गुड़िया मेरे दोस्त, आप मेरे उससे टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाओ, कोई ना कोई आपको टेलीग्राम चैनल बता देगा। एसएससी का महापैक भी लेने के लिए अभिषेक, आपको मेरे रेफरल कोड Y182 का प्रयोग करना है दोस्त, मात्र एक दिन और बचा है, 82% ऑफ है दोस्त, तो प्लीज एसएससी के महापैक को ले लो दोस्त। adda247.com पे जाकर के, आप adda247.com पे जाके अभिषेक तेंगुरिया, मेरे रेफरल कोड Y182 का प्रयोग करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर है। चलो अच्छा अब बताओ भैया, अभिषेक मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ भाई, कोई ना कोई आपको बता ही देगा। वर्षा राजपूत जी, सुग्रीव, संदीप चौरसिया जी, इस क्वेश्चन का आंसर करो। 12वां क्वेश्चन, भाई 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टिप्स इज यूज टू कूल द इंजन ऑफ मोटर व्हीकल। भैया मोटर व्हीकल के लिए एकदम आसान है, रेडिएटर, रेडिएटर। अच्छा मैं कुछ विटामिन का नाम लिख रहा हूं, आप इनके खोजकर्ता बता दो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, क्लियर है ना। चलिए बताइए विटामिन ए बी सी डी के खोजकर्ता का नाम बताइए। देखो दोस्त विटामिन की खोज, विटामिन ए की खोज किसने की, तो आप बड़े आसानी से कह दोगे सर मैकुलन ने, विटामिन ए की खोज मैकुलन। कोई चीज आसान नहीं है, हर चीज को बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना है, करना क्या है यार। विटामिन बी भी भैया मैकुलन ने, ए और बी की खोज मैकुलन ने। विटामिन सी की बात कर देंगे तो हॉलकट नाम के साइंटिस्ट ने। विटामिन डी की बात कर देंगे तो हॉपकिंस ने, क्लियर है ना। विटामिन की खोज किसने की, तो दोस्त याद रखना मैं बार बार बता रहा हूं, विटामिन की खोज आप लोग पहले लिखो, मैंने बताया है। देखो दोस्त विटामिन की खोज ल्यूनिन नाम के साइंटिस्ट ने की, लेकिन दोस्त विटामिन नाम 1911 ईस्वी में एक दूसरे व्यक्ति ने दिया, जो आप लोग अभी नाम लिखने वाले हो,
ठीक है ना, बताइएगा आप लोग किसको जानते हो विटामिन की खोज। लेकिन याद रखना विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की थी, सबसे पहले खोजा गया विटामिन। जब तक आप 1911 वाले व्यक्ति का नाम बताएं तब तक मैं बता दूं, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, खोजा गया विटामिन, तो भैया याद रखना सबसे पहले खोजा गया विटामिन है विटामिन सी। खाना पकाते समय भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। बिल्कुल आप लोग कहोगे विटामिन की खोज फंक ने, दोस्त अक्सर किताब फंक लिखे हुए हैं लेकिन आप याद रखना लूनिन ने किया। लूनिन ऑप्शन में न रहे तो फंक, फंक और लूनिन दोनों ऑप्शन में रहे तो लूनिन को टिक करना। फंक ने 1911 में विटामिन शब्द दिया था, क्लियर है ना, बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए उपयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, बताना दोस्त। अब मैं यहां पे आप बताइए फिजिक्स का आपसे क्वेश्चन कर दूं जो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के लिए जरूरी है या केमिस्ट्री, चलो मेडिकल का ही कर देते हैं, ठीक है ना, मेडिकल के क्षेत्र का कर देते हैं। फिजिक्स वाला तो आपके स्क्रीन पे है, आप हमें बताइए क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, जो बहुत फेमस है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, कोई भी बताए दोस्त। रहीस खालिया जी आप बताइए कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की। साथ ही साथ दोस्त आप हमें बताएंगे बैक्टीरिया की खोज किसने की। देखो दोस्त मैं जीवन में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, किसी भी चीज को ना छोटा समझ के आंसर करने से मत पीछे भागा करो कि याद है, नहीं दोस्त याद है फिर भी करो, एग्जाम में आपका समय बचाएगा, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक ने, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने। दोस्त यदि हम लोग बात कर लेंगे क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म की खोज सिम्पसन, क्लियर है ना, सिम्पसन, और इनका साथ दिया था हैरिसन नाम के वैज्ञानिक ने, सिम्पसन और हैरिसन नाम के वैज्ञानिक ने। 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी डिक्टाफोन, क्लियर है 13वें क्वेश्चन का। अच्छा वैभव शर्मा कह रहे हैं सर जी एक बार जय श्री राम बोल दो, तो भैया जय श्री राम, क्लियर है, तो भैया जय महाकाल जय श्री राम, लेकिन आंसर करो, हमारे प्रभु श्री राम भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आप अपनी मदद स्वयं करेंगे। तो बिल्कुल दोस्त जय श्री राम जय बजरंगबली, लेकिन आंसर करो, ठीक है, मेरे लिए श्री राम अल्लाह जीसस सभी महत्वपूर्ण है, क्लियर है ना, सभी एक ही शक्ति के नाम है, सबका नाम लो और सबसे हम लोग एक ही रिक्वेस्ट किया जाए कि भगवान अल्लाह जी भगवान जी राम जी जीसस जी सिलेक्शन दिला दो जी, हमारा एक ही उद्देश्य हो सिलेक्शन। अगला कास्मिक किरणों की खोज किसने की, अब जरा बताना दोस्त कास्मिक किरणों की खोज किसने की, भैया बोलो कास्मिक किरण की खोज किसने की। अच्छा मैं अगर अब आ गया भैया फिजिक्स, आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश की खोज किसने की, विद्युत आवेश। दोस्त ये क्वेश्चन रेलवे में मैंने देखा कई बार पूछा है, इलेक्ट्रिक आवेश की खोज किसने की, क्लियर है ना, बताइए दोस्त कि विद्युत आवेश की खोज किसने की। उसी तरीके से दोस्त विद्युत बैटरी की खोज किसने की, ये भी आप बता सकते हो, विद्युत से रिलेटेड दो तीन है दोस्त। उसके अलावा स्थिर विद्युत की खोज किसने की, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्थिर विद्युत होता है, स्थिर विद्युत की खोज किसने की। क्या इन तीनों का भी आंसर पता है, भाई मैं बता दूं यदि आपसे पूछे स्थिर विद्युत तो आप लोग नाम ले लेना किसका, थेल्स का, स्थिर विद्युत की खोज थेल्स भाई साहब ने की थी। विद्युत आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और दोस्त विद्युत बैटरी की बात कर दे तो अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने की था, अलेक्जेंड्रा वोल्टा। और कॉस्मिक किरण की खोज 14वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन विक्टर हेस, कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेस ने, क्लियर है ना। चेतन पारिक दोस्त फ्रांस कौन सी नदी के तट पे, ये पूछने का भी कोई मतलब निकल रहा है, क्लास चल रही है फिजिक्स की, पूछ रहे हो फ्रांस का क्वेश्चन, कोई मतलब निकल रहा है दोस्त, जब जियोग्राफी की कल क्लास चलने वाली है जियोग्राफी के क्लास में ये सब बात कर लेना। देखो क्लास चलेगी राम की, पूछा जाएगा कि सर जीसस के बारे, ये मजेदार नहीं होता दोस्त, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन थे। यदि भैया आप रडार का पूछोगे तो मैं आपसे पूछ दूंगा सेफ्टी रेजर, आप लोग जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हो जरा बताइएगा सेफ्टी रेजर की खोज किसने की। रडार की खोज बताओगे तो सेफ्टी रेजर का भी बताओगे। साथ ही साथ दोस्त जो हम लोग के घर में इलेक्ट्रिक फैन लगा होता है, बिजली का पंखा, घरेलू कुछ उपकरण लिख रहा हूं
उनका बताओ, सेफ्टी रेजर का, इलेक्ट्रिक फोन का। और दोस्त इसी तरीके से एक होता है जो गर्ल्स उपयोग करती हैं, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन का खोज किसने किया? देखो ऐसे पढ़ना पड़ेगा दोस्त, क्लियर है ना। सेफ्टी पिन, सेफ्टी रेजर, बिजली का पंखा किसने खोजा? तीनों ही आपको बताना है। रडार के आविष्कारक, भैया रडार के आविष्कारक वाट साहब कहीं हैं? हाँ बिल्कुल भैया, रडार 15वें का डी ऑप्शन, रॉबर्ट वाटसन, क्लियर है ना। आर डब्ल्यू वाट, इनका पूरा नाम है आर डब्ल्यू वाटसन, क्लियर है। और मैं आपको बता दूं दोस्त, अब बारी बारी से सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन का खोज करने वाले कौन है भैया? तो वाल्टर हंट, क्लियर है ना। वाल्टर हंट ने खोज किया था सेफ्टी पिन का। सेफ्टी रेजर मतलब भैया इसकी खोज जिलेट कंपनी है ना, वो जिलेट नाम का व्यक्ति है दोस्त, याद रखना, जिलेट नाम के व्यक्ति ने किया था, इसीलिए उसका नाम जिलेट रेजर भी रखा गया है। आज के बाद भूलोगे तो नहीं कि हम लोग जिलेट क्यों खरीदते हैं, जिलेट का जो टीवी पे एड आता है वो क्यों आता है दोस्त, आप समझ में आ गया भैया। बिजली का पंखा, अब अगर बिजली के पंखे की बात कर लोगे तो इसकी खोज किया था व्हीलर ने, क्लियर है ना। व्हीलर, बिजली का पंखा व्हीलर ने, क्लियर है। और भैया एक बात बता दें, एक बार लाइक हो जाए दोस्त, एक बार लाइक हो जाए, सब लोग एक बार लाइक करो जरा जल्दी से, क्लियर है, एक बार लाइक कर दीजिए और सेशन को आगे बढ़ा दिया जाए। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है ना, तो बिल्कुल आंसर करो, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? अब दोस्त मैं आपको बताऊं, विद्युत प्रतिरोध का नियम, जरा साथ जुड़े हुए क्वेश्चन बताओ, विद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का नियम किसने दिया? आज के सेशन को बहुत महत्वपूर्ण लेके चलना, ठीक है ना। आपको विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया? विद्युत धारा का तापीय नियम, इलेक्ट्रिक करंट का जो तापीय नियम है वो किसने दिया? विद्युत धारा का तापीय नियम किस व्यक्ति ने दिया, ये भी जरा आपको बताना है दोस्त। उसके अलावा विद्युत का आकर्षण नियम, क्लियर है ना, विद्युत का आकर्षण नियम किसने दिया, ये भी जरा बताइएगा। आकर्षण नियम, क्लियर है ना, विद्युत का आकर्षण नियम किसने दिया? ये क्वेश्चंस मैं रेलवे दे दो, सीएचएसएल दे दो, सीपीए दे दो, सीजीएल दे दो, स्टेनोग्राफर दे दो, हर एग्जाम के लिए जरूरी है। पहले तो इस क्वेश्चन का बता दें, गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्त आपके न्यूटन चाचा जी ने दिया, क्लियर है, हम लोगों के न्यूटन चाचा जी ने दिया जो कि इंग्लैंड के थे। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम चाचा जी ने दिया, कौन से चाचा जी? ओम चाचा जी। अच्छा, विद्युत का तापीय नियम दोस्त, यदि आपसे पूछे कि विद्युत धारा का तापीय नियम, भैया जूल चाचा जी ने दिया, क्लियर है ना, जूल नाम के व्यक्ति ने दिया। और विद्युत का आकर्षण नियम कुलाम ने दिया, क्लियर है ना, कुलाम ने दिया। अब याद रहेगा ये सब, बिल्कुल दोस्त याद रखना, चूकना नहीं है, क्लियर है ना, एग्जाम में एक छोटी सी भी गलती करके नहीं आना है, इतनी बढ़िया से तैयारी कर लो यार कि भगवान भी सोचे कि भाई इस लड़के को सिलेक्शन देना है, इसने बहुत दिन मेहनत किया है, क्लियर है ना, मेहनत इतनी शानदार तरीके से करो, कोई कोताही नहीं। अगला, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ, हाँ जानते हैं शुरू हुआ, तो ये पूछ रहा है कि भैया ये जो नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल वाला, ये मतलब कौन किस चीज का इन्होंने किया था, जरा बताओ तो अल्फ्रेड नोबेल वाला बताओ। अच्छा आप कुछ, हम लोग क्या करें कि केमिस्ट्री का है ना, तो चलो केमिस्ट्री का पूछ लेते हैं, मेसॉन की खोज किसने की, मेसॉन कण की खोज किसने की, एक तो ये बता दो, मेसॉन कण की खोज किसने की ये भी बताइएगा। और दोस्त साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, ये भी बता दो, जब केमिस्ट्री आया तो ये बताओ। उसके अलावा दोस्त आपको बताना है कैल्शियम की खोज किसने की, कैल्शियम, क्लियर है ना, कैल्शियम की खोज किसने, जबकि ये मैं बताया हूं, अब देखता हूं, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर डायनामाइट है, बिल्कुल कैल्शियम की खोज किसने की। उसके अलावा दोस्त आपको बताना है यूरेनियम की खोज किसने की, केमिस्ट्री का आया तो भैया केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हो जाए, यूरेनियम, चार हुए, एक और बता दो दोस्त कि पोटेशियम की खोज किसने की, पोटेशियम की खोज किसने की, केमिस्ट्री का है तो रिवीजन होगा तो अच्छे से होगा, क्लियर है ना, रिवीजन का होगा तो अच्छे से होगा।
ठीक है। तो भैया कैल्शियम, यदि दोस्त हम लोग कैल्शियम की, आपके कमेंट एक बार देख लूं यार, सुग्रीव, सिद्धार्थ, आस्था, सुनील, उदय, बहुत बढ़िया दोस्त जुड़ने के लिए। मेसान कण की खोज यूकावा, मेसान कण की खोज यूकावा, कैल्शियम की खोज डेवी, पोटेशियम की खोज डेवी, क्लियर है ना, पोटेशियम की खोज डेवी, यूरेनियम की खोज कैलप्रोथ, क्लियर है ना, यूरेनियम की खोज कैलप्रोथ, और हाइड्रोजन की खोज, बताइएगा हाइड्रोजन की खोज, तो भैया कैवेंडिस, क्लियर है ना, कैवेंडिस, कैवेंडिस ने, क्लियर है, कैवेंडिस ने, इतना याद रहेगा सभी को, बिल्कुल दोस्त। तो ये चीजें, संजय कुमार पूछ रहे हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, संजय कोई ना कोई कमेंट में टेलीग्राम चैनल बता देगा, जुड़ जाना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, अभी एक दोस्त पूछ ही रहे थे कि सर जरा बता दीजिएगा कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, मैंने उनके कमेंट पढ़े थे, और मैं एक बार आपका मोबाइल से, यार ये मेरा पेन काम करना, थोड़ा सा एक सेकंड मुझे दो, मैं इसको थोड़ा चार्ज में लगा दूं, क्योंकि मेरा जो पेन है वो वर्क करना रुक गया है, तब तक आप आंसर करो दोस्त, प्लीज आप आंसर करो, ठीक है, आप आंसर करके मुझे बताइए दोस्त इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो हाँ चलिए बताइएगा दोस्त, तो ये चलने लगा है टेलीविजन, भाई टेलीविजन बहुत आसान है, टेलीविजन क्या है, बहुत आसान है टेलीविजन, अगर आप बात करोगे दोस्त तो एक चीज बड़ा चर्चा में रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यार, शब्द नहीं याद, रेफ्रिजरेटर, क्लियर है ना, घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, ये जब आप गूगल करोगे तो बड़े अलग अलग आंसर आएंगे, रेफ्रिजरेटर, क्योंकि इसमें एक बिजली से चलने वाला है, तो एक आपके गैस से चलने वाला है, ऐसे ऐसे करके, तो रेफ्रिजरेटर का आपको कई आंसर मिलेगा, एक आंसर मैं भी दे दे रहा हूं, हैरिसन, क्लियर है ना, ये भी मिलेंगे, इनके साथ और भी कई मिलेंगे, तो उनका आप ध्यान रखना। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था, एक दोस्त ने पूछा था अभी अभी मैंने कमेंट में देखा कि सर सिलाई मशीन का बता दीजिए, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया दोस्त, लेकिन आपने टेलीविजन, साइकिल, सिलाई मशीन, इनका पूछा था, ठीक है ना, तो सिलाई मशीन का दोस्तों आप में से कोई बता सकता है तो बता दे, नहीं तो मैं तो इनका नाम खोज रहा हूं। देख याद रखना दोस्त मेरे, इलियास, ठीक है ना, इलियास हवो, क्लियर है ना, इलियास हवो नाम के व्यक्ति ने सिलाई मशीन का खोज किया था, ठीक है ना। तो शिवानी झा जी आपका नाम जरूर ले लिया जाएगा दोस्त, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, साथ ही साथ अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, क्लियर है ना, अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। सिलाई, तो भैया आपके तीनों क्वेश्चन हो गए, आपने टेलीविजन पूछा था, शायद रेफ्रिजरेटर पूछा था, साइकिल पूछा था, सिलाई मशीन पूछा था, साइकिल का मैंने पहले ही आपको आंसर करके बता दिया था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया, आसान है भैया कि राइट ब्रदर्स किसका आविष्कार किए थे बता। देखो ऐसे सेशन बहुत अच्छे होते हैं, आप जरा बताना दोस्त कि मैं थोड़े से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर देता हूं, जरा आप बताइएगा दोस्त कि इसका आविष्कार, रेल इंजन, रेलवे का फॉर्म तो सब लोग भरे हो, आसान सा एक पूछ दूं, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया, ठीक है ना, रेल इंजन का आविष्कार, रोबिन चौधरी जाओ मत यार पढ़ो, लेंस कैमरा, क्लियर है ना, कैमरा वाला, जो कैमरा जो लेंस वाला आता है दोस्त, उसका आविष्कार किसने किया। तो भैया रेल इंजन की यदि बात करोगे वो आपको आंसर करना है, लेकिन लेंस कैमरा मैं बताऊंगा। टायर का आविष्कार किसने किया, टायर जो आपकी गाड़ियों में लगा होता है, टायर का आविष्कारक का नाम बता दो। साथ ही साथ दोस्त दूरबीन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए मजेदार क्वेश्चन है, बताओ दोस्त टायर का आविष्कारक कौन है, याद रखना डनलप, टायर का आविष्कारक डनलप है। दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो, कौन है भैया, गैलीलियो, क्लियर है ना, गैलीलियो साहब है। और भैया लेंस कैमरा पूछ रहा है, याद रखिएगा जो जींस आप पहनते हो इनका नाम जींस है, ठीक है, इनका नाम जींस है। जेम्स वाट चाचा तो सबको याद रहेंगे कि भाप इंजन का आविष्कार, रेलवे का यहां भाप इंजन भी लिख दो तो जेम्स वाट चाचा ने किया था, ठीक है ना। सिर्फ रेल इंजन, देखो भाप लिखोगे तब, अगर सिर्फ रेल इंजन कर दोगे दोस्त तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएगा, दोनों में अंतर समझ के याद करना, जॉर्ज स्टीफेंस, क्लियर है ना। जब भाप लिखोगे तो जेम्स वाट, लेकिन जब रेल इंजन सिर्फ लिखोगे तो जॉर्ज स्टीफेंस, बचपन में पढ़े होगे दोस्त,
बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। और दोस्त आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं, जब तक आप अगले क्वेश्चन का आंसर करो दोस्त, मेरा आपको एक सुझाव है कि अड्डा ऐप पर मेरी क्लास होने वाली है। आप लोग अड्डा का ऐप रखे होंगे, शनिवार शाम 7 बजे, शनिवार शाम 7:15 बजे मैं वहां पे थियरी क्लास पढ़ाने वाला हूं, सभी लोग जुड़ना जरूर। अच्छा, संडे के दिन मैं 2 क्लास जरूर लेता हूं, एक जीएस का रैपिड फायर, क्लियर है ना। और ये कब लेता हूं जीएस का रैपिड फायर क्लास, भैया रात 8 बजे, जुड़ना जरूर। और दोपहर में 11 बजे मैं लेता हूं जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की क्लास, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबकी मिला करके लेता हूं। इसमें भी आपको जुड़ना है, क्लियर है ना। संडे को रैपिड फायर, संडे को जीएस रिवीजन राउंड। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर सापेक्षता का सिद्धांत बहुत आसान है दोस्त, 20वें क्वेश्चन का है, आइंस्टीन, यही भाई साहब ने अपना इक्वेशन दिया था E=mc². अच्छा, मैं आपसे कुछ और सिद्धांत पूछता हूं, जरा हमको बताइए, सिद्धांत छोड़ो, डायोड वॉल्व का आविष्कार किसने किया, जो अब देखो दिमाग तुरंत गया होगा डायोड वॉल्व। साथ ही साथ दोस्त आप बताएंगे ट्रायोड वॉल्व का आविष्कार किसने किया, डायोड वॉल्व का बताओ, ट्रायोड वॉल्व का बताओ, लेसर किरण का आविष्कार किसने किया, लेसर किरण का आविष्कार किसने किया। साथ ही साथ दोस्त मेसर किरण का आविष्कार किसने किया, मेसर किरण का आविष्कार किसने किया। अब जरा बताइए डायोड वॉल्व का आविष्कारक कौन है, तो भैया सर जे ए फ्लेमिंग, जे फ्लेमिंग ने किया। जरा मैच कराओ, जे फ्लेमिंग ने किया, याद हो तब ईमानदारी से मैच कराओ, ठीक है ना, जे फ्लेमिंग ने। ट्रायोड का आविष्कार किसने किया, तो भैया ट्रायोड का आविष्कार ली डी फॉरेस्ट ने, ली डी फॉरेस्ट ने ट्रायोड वॉल्व का आविष्कार। लेसर किरण का आविष्कार पूछे भैया, तो टी एच मेनन ने। और दोस्त मेसर किरण का आविष्कार पूछे, तो 2-3 लोग मिलके किए थे, एक का नाम था गीगर, एक का नाम था टाउन्स, क्लियर है ना, एक का नाम था टाउन्स, ठीक है ना, ये लोग मिलके किए थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है दोस्त, ठीक है ना। अब आपको मैं कुछ बताइएगा, दाब का नियम किसने दिया, क्लियर है ना, दाब का नियम किसने दिया, गति विषयक नियम, गति का 3 नियम किसने दिया। आसान है लेकिन दोस्त आसान समझ के छोड़ देने में ही गलती होती है। साथ ही साथ दोस्त प्लवन का सिद्धांत किसने दिया, प्लवन का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया। अच्छा बताओ, एक क्लास में एक क्वेश्चन के बहाने आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होता है कि नहीं। और दोस्त गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, सिर्फ साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, साइंटिस्ट का। देखो दोस्त गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत आसान है कि न्यूटन चाचा ने दिया। दाब का नियम भैया पूछ रहा है तो पास्कल जी ने दिया, क्लियर है, पास्कल जी ने। गति का नियम फिर भैया न्यूटन ने दिया, ठीक है। और दोस्त प्लवन का नियम तो भैया आर्किमिडीज ने दिया, आर्किमिडीज, क्लियर है ना, आर्किमिडीज ने दिया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब सापेक्षता का सिद्धांत, तो भैया आर्किमिडीज, लॉ ऑफ फ्लोटिंग यही है, प्लवन का नियम, क्लियर है ना, आर्किमिडीज ने दिया, ठीक है। सर आप सुबह से शाम तक पढ़ाते पढ़ाते बोर नहीं होते, नहीं दोस्त मैं 2 ही बार पढ़ाता हूं, एक बार आपके सुबह 11 बजे यूट्यूब पे और एक बार शाम 7:15 बजे, उसके बीच में एक आध दो पेड बैच जरूर पढ़ा देता हूं, क्लियर है ना। अच्छा मैं रिवीजन तो करवाऊंगा, निश्चित रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन दोस्त आप लोग क्या करिए कि जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दो उसके बाद यहां से हटे, तो एक बार रिवीजन हो जाए लेकिन उससे पहले एक बार लाइक हो जाए, क्लियर है ना, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भैया लाइक हो गया, देख ले भैया लाइक हमारे स्टूडेंट्स कितना पहुंचा है, 453। अरे मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हो भैया, लाइक भाई करो एक बार जबरदस्त ढंग से। तो चलो पहला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, जल्दी जल्दी आंसर करना है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया बताइएगा दोस्त, एक्सरे का, सही है मेरे, बहुत बढ़िया समीक्षा साहू, यदि आपके सारे क्वेश्चन सही है तो। आप लोग आंसर, रिवीजन राउंड है भैया, जरा बताइएगा
एक्सरे का आविष्कार कौन किया था? तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरे के आविष्कार कोई और नहीं, आपके रोटेंजन किए थे। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार दिए गए ऑप्शन में जे रॉबर्ट हीमर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास, हु डेवलप्ड मिसाइल, तो ब्रोन साहब कहीं हैं, बिल्कुल वर्नेस वॉन बोर्न, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हाइड्रोजन बम, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, कहां है भैया एडवर्ड टेलर, बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल एवं रुस्का ने, क्लियर है। स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉडसा, रिवीजन करो, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, किसी का मतलब कैसे आप ऊंचाई नापते हो, तो भैया अल्टीमीटर का प्रयोग कर लेंगे, और क्या करेंगे। अगला, सूर्य की किरणों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपको उलझा सकता है, याद रखिएगा, हम लोग आपके नौवे क्वेश्चन का सी ऑप्शन एक्टिनोमीटर, क्लियर है ना। अगला, वह उपकरण, रिवीजन राउंड चल रहा है, पहले बता दे रहा हूं, ये मत सोचना कि सर इतना तेज पढ़ा रहे हैं। समुद्र की गहराई, भैया सोना, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है। थर्मोस्टेट, हमारे टेम्परेचर को मापता है, और क्या करता है थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में युक्तियों में किसमें मोटर गाड़ी में रेडिएटर, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है, खूब रेडिएटर में हम लोग पानी डाले हुए हैं, है कि नहीं। ट्रैक्टर का रेडिएटर यार गांवों में गर्म हो जाता था, तो नाना जी लोग कहते थे यार इसके रेडिएटर में पानी डाल दो, तो हम लोग ले जाके पानी डाल देते थे। अगला, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड को की हुई डिक्टेशन को सुनने के लिए डिक्टाफोन कहां है भैया, डिक्टाफोन, क्लियर है। अगला, कॉस्मिक किरणों की खोज, कॉस्मिक किरण की खोज की यदि बात कर लेंगे भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं हमारा स्टूडेंट जानता है विक्टर हेस ने किया था। अगला, रडार का आविष्कार, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन कहीं है, बिल्कुल रॉबर्ट वाटसन जी। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था, भाई न्यूटन दिए हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के इनके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन भाई, एक बात है आप लोग से, 580 लाइक हैं, ये 600 पे जा सकता है, बस आप लोग यदि चाह दो तो। अगला, नोबेल पुरस्कार, डायनामाइट का आविष्कार करके पछताए थे आपके अल्फ्रेड नोबेल, और उसी नाम पे पूरा पैसा दे दिया कि भैया इससे इनाम बांटो, ठीक है। अच्छा, एक दोस्त ने अपना नाम लिखा है, नौकरी की तलाश में एक छात्र मनीष, भैया हम सब नौकरी की तलाश में हैं, तो अब आपका नाम रहेगा नौकरी की तलाश में लाखों करोड़ों छात्र मनीष, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, भैया लल्लन टॉप जेएल बेयर्ड ने किया था, जेएल बेयर्ड ने। अच्छा, एक बात याद रखना, संडे को, आप लोग को अच्छे से पता है कि संडे को मैं एक बार सुबह 11 बजे पढ़ाता हूं और एक बार रात 8 PM पे, यहां पे मैं जीएस का रैपिड फायर लेके आता हूं, सब लोग जुड़ना जरूर, क्लियर है ना, रैपिड फायर। और यहां पे जीएस का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायो, करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स, सबका रिविजन राउंड रहता है। राइट ब्रदर्स एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, और क्या, राइट ब्रदर्स एरोप्लेन की खोज, सापेक्षता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, क्लियर है ना। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ई बराबर एमसी स्क्वायर, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, और भैया लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब प्लवन का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है ना। तो अब आपके सामने जो बेहतरीन ऑफर है दोस्त, वो ये कि देखो SSC का CGL, CPO, CHSL या स्टेनोग्राफर के लिए जो ये बैच है, या फिर दोस्त आपके जो 10 अगस्त को ये बैच आ रहा है RRB NTPC, दोनों ही बैच मेरे रेफरल कोड Y182 से दोस्त आपको मैं बता दूं 82% ऑफ पे हैं, मात्र कल तक का अवसर और है। तो प्लीज adda247.com पे विजिट करके दोस्त इस बैच को लेना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्लियर है ना, इस बैच को लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्त, क्योंकि ऑफर क्या चल रहा है 77+5 मेरे रेफरल कोड पे, और आपको लेना ये बैच कहां से, adda247.com से लेना है, ठीक है ना। चलिए सुबह मिलते हैं 11 बजे, थैंक यू सो मच, और इस रेफरल कोड का प्रयोग करके प्लीज SSC अड्डा से इन बैचों को खरीद करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।